अफ्रीकी और ब्राजीली कोरोना वायरस की पाकिस्तान में एंट्री, सिंध के बाद विफाक ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 140 जिंदगियां निकल गया, मरने वालों की तादाद 17,957 हो गई। 24 घंटों में 4,696 अफराद में वायरस की तस्दीक, पॉजिटिव केसेस की शरह 9.63% रही। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान में फजाई सफर महदूद, एनसीओसी का पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक 80% तक कम करने का फैसला। 4 से 20 मई तक बैनुल अक्वामी परवाजें 20% तक महदूद रखने की हिदायत। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन और मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार। चीनी आटा के बाद अब ऑक्सीजन माफिया सरगर्म, ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों ने इजाफी ऑक्सीजन के रेट बढ़ा दिए। अस्पतालों को 77 रुपए के बजाय 130 रुपए फी मकब मीटर ऑक्सीजन की सप्लाई। भारत में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल से कराची वाले भी परेशान, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। डॉक्टर फरहत अब्बास शाह का कहना है, लोगों में वैक्सीन लगवाने का रुझान बढ़ रहा है। सिंध के मजदूरों के लिए खुशखबरी, बेनजीर भुट्टो मजदूर कार्ड का इजरा आज से शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताह करेंगे, मजदूरों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। दिहाड़ीदार मजदूर, बस ड्राइवर्स, गधा गाड़ी चलाने वाले और घरेलू मुलाजमीन खुद को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा खरीदने वालों का रश, सिर्फ 10 किलो आटा 2 किलो चीनी मिलने पर लोगों का शिकवा, मिकदार बढ़ाने का मुतालबा। और कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया, हवा में गैर सेहतबख्श जर्रात की तादाद 156 तक पहुंच गई। आलूदा शहरों में बहावलपुर का पहला, रावलपिंडी का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर।